हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, iOS 18.1 के अपडेट को हम अपने आईफोन 13 पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फुल प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप सभी भी iOS 18.1 के कॉल रिकॉर्डिंग, एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हो अपने पुराने डिवाइसेस पे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। सो वीडियो को कम्प्लीट टिल द एंड तक वॉच करना, ताकि आप सभी भी अपने आईफोन 13 को इस लेटेस्ट अपडेट पे अपडेट कर सको और कॉल रिकॉर्डिंग को भी यूज़ कर सको अपने डिवाइसेस पे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अपडेट का साइज़ नॉर्मल अपडेट्स के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होगा। तो यहाँ पर 6.15 GB से लेकर ये जो साइज़ है 6.5 GB तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाईफाई कनेक्शन। आपके पास वाईफाई कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जो भी काफ़ी स्टेबल हो और आपको बढ़िया स्पीड भी प्रोवाइड कर सके, ताकि आपका अपडेट जो इतना बड़ा साइज़ में है वो काफ़ी जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। सेकंड जो सबसे मेन बात रहती है वो है अपने आईफोन की स्टोरेज। अगर आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो आपका डिवाइस इस अपडेट को इंस्टॉल नहीं कर पाएगा और आपको बार बार ये फेलियर ही शो करेगा। इसलिए आपको तकरीबन 20 GB तक फ्री स्पेस अवेलेबल करनी पड़ेगी आईफोन 13 सीरीज़ के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर सबसे मेन पॉइंट आता है बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का, क्योंकि अपडेट के बाद काफ़ी आईफोन्स की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। यूजुअली बैटरी हेल्थ को ड्रॉप कैसे हम उसे बचा सकते हैं, उसके लिए आपको ऑलरेडी अपने डिवाइस को चार्ज करके रखना पड़ेगा 100%, 90 या 80%, मिनिमम 80% तो चार्ज करना ही पड़ेगा आपको अपने डिवाइस को। उसके बाद फिर आप डाउनलोड के ऊपर टैप करना अपडेट पे। तो गाइस, इसके साथ आपकी बैटरी हेल्थ भी ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि जो आपका डिवाइस है जब अपडेट को इंस्टॉल करता है तो उस टाइम के ऊपर काफ़ी हीटिंग इशू आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए जब आप पहले ही ऑलरेडी अपने डिवाइस को यहाँ पर अपडेट कर लोगे तो उसके साथ क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, आपको बार बार चार्जिंग पे सेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाकर ऑटोमेटिक अपडेट्स की तीनों ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। जैसे इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल करोगे तो यहाँ पर आपको iOS 18 के पब्लिक बीटा को सिलेक्ट करना है या डेवलपर बीटा को। यह है पब्लिक बीटा 2, 8.1 GB का साइज़ है इस अपडेट का, तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। और साथ में आपको डेवलपर बीटा 5 भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों अपडेट सेम है, पब्लिक बीटा 2 और डेवलपर बीटा 5। इस तरीके से आप अपने आईफोन 13 को काफ़ी बढ़िया तरीके से अपडेट कर सकते हो iOS 18.1 के नए अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना जिनके पास आईफोन 13 है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।